अगर आपके पास भी Redmi Android स्मार्टफोन है और वो Redmi Android स्मार्टफोन में आप खुद से ही पासवर्ड पैटर्न पिन लगा के जब आप अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को भूल जाते हो तो आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है, अनलॉक नहीं होता है। आप इस केस में फ्रेंड बहुत ही परेशान होते हो, जबकि ऐसा सिचुएशन खड़ा करने वाले आप खुद ही हो। जब आपको पता चलता है कि मेरा फ़ोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है और मैं अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को ही भूल चुके हैं, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे आपको अपना Redmi MI Android स्मार्टफोन का लॉक तोड़ना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा लॉस किए हुए। तो आइए फ्रेंड मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड सबसे पहला वर्क जब आप ऐसे स्वीप अप करोगे तो आपको नीचे इमरजेंसी कॉल दिखेगा और कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं फ्रेंड, इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कर लेना। जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू डायलेट खुला हुआ दिख रहा होगा फ्रेंड। यहाँ पे इस न्यू डायलेट में आपको सिर्फ दो कोड का इस्तेमाल करना है। सिर्फ दो कोड के मदद से आपका Redmi Android स्मार्टफोन अनलॉक मिलेगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा। तो आपको सबसे पहला कोड जिस कोड का इस्तेमाल करना है उस कोड का नाम होता है ऑफलाइन मोड कोड। उसी कोड की मदद से आपका डाटा सेफ होगा। सबसे पहला वर्क आपको वही करना है कि आपका डाटा सेफ करना है। तो ये कोड आपके सामने मैं अप्लाई कर रहा हूँ जिस कोड का नाम होता है ऑफलाइन मोड कोड। इस कोड में वन का कोई काम नहीं रहेगा फ्रेंड, याद रखना। आप इस कोड को पहले कहीं लिख लो या याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, काहे कि इस कोड का कंप्लेन भी आते रहता है कि सर इस कोड को हम कॉल करते हैं और ये कोड गायब हो जाता है। तो आप लोग इस कोड को लिख लोगे तो ये कोड गायब भी हो जाएगा तो आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कोड को आपको 5 times कॉल करना है ताकि ये कोड आपका वर्क कर सके और आपका डाटा सेफ रख सके। तो इसको आप लोग जब तक रनिंग नहीं करने दीजिएगा तब तक ये कोड अपना वर्क नहीं करेगा। तो इसको 5 times कॉल कर लीजिएगा, ओनली 5 times। कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके करते हुए 1, 2, 3, 4 and then 5। जब आप 5 times कॉल कर लीजिएगा तो इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा फ्रेंड, एक एक करके इस कोड को हटा लीजिएगा। कोड हट गया, अब आपको तुरंत दूसरा कोड अप्लाई करना होगा तुरंत, जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ये कोड का नाम होता है मास्टर अनलॉकिंग कोड। इस कोड के मदद से आपका डाटा तो ऑलरेडी सेफ हो गया और इस कोड के मदद से आपका लॉक टूट जाएगा फ्रेंड, चाहे वो पासवर्ड हो, पैटर्न हो, पिन हो या स्क्रीन लॉक हो। तो इस कोड को ओनली 1 time कॉल करना है, ओनली 1 time। कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कर दीजिएगा, ये हो गया 1 time। अब इस कोड को डायरेक्ट हटा दीजिएगा और तुरंत होम बटन पे क्लिक कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इस Redmi Android स्मार्टफोन का लॉक टूट चुका है और इस फ़ोन का डाटा देख लीजिए आप, इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है फ्रेंड। अगर आप सर्विस सेंटर गए होते तो आप पैसा देते, समय देते, तब आपका फ़ोन लॉक से अनलॉक होता। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट कराया है, पैसा भी आपको नहीं देना है, ना सर्विस सेंटर जाना है और आपको डाटा भी सेफ रहेगा फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूँ और वो डायरेक्ट आपके पास पहुँचता रहे फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।